हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं O3 की बीबी क्रीम की। मैं इसको रिव्यू करूंगी, हम 8 आवर्स का वेयर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि मेरी स्किन पर कितनी देर टिकता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको भी फेस पर स्वेटिंग होती है तो हो सकता है आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है या अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले यूट्यूबर्स की या ब्लॉगर्स की भी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा ओपिनियन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है, व्हाइट कलर की पैकेजिंग है। सारी चीजें आपको पीछे लिखी हुई मिलेंगी क्या क्या इसके अंदर है। तो इस बीबी क्रीम में जो है परफ्यूम है, कई सारे लोगों को परफ्यूम या किसी खास तरह की फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है तो इसमें परफ्यूम है। अब बात करते हैं प्राइस और क्वांटिटी की। इसका प्राइस है 445 रुपीज, जिसमें आपको मिलता है 15 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। 445 रुपीज और 15 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इससे अफोर्डेबल बीबी क्रीम्स आपको मिल जाती हैं। इसमें आते हैं 3 शेड्स और ये जो तीनों शेड्स हैं उसमें से 2 फेयर स्किन टोन और 1 मीडियम स्किन टोन के लिए है। डीप और डार्क स्किन टोन के लिए एक भी शेड नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक इंडियन कंपनी है, लेकिन इनके पास इंडियन स्किन टोन के लिए शेड्स नहीं है, तो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इस बीबी क्रीम में SPF 30 PA++ है, यानी कि आपको सनस्क्रीन अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर बीबी क्रीम्स में सनस्क्रीन होता ही है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि सनस्क्रीन रीअप्लाई जरूर करना चाहिए आफ्टर 3 to 4 आवर्स, कुछ केसेस में 2 घंटे बाद भी। तो आपको हमेशा अपने सनस्क्रीन की ट्यूब पे पढ़ लेना चाहिए कि क्या लिखा है, कितने घंटे बाद रीअप्लाई करना है। मैं रेफरेंस के लिए आप लोगों को बता देती हूँ कि मैक में मेरा शेड है NC40 जब मैं डार्केस्ट होती हूँ और NC30 to 35 जब मैं लाइटेस्ट होती हूँ। 30 बहुत मुश्किल से ही होता है, बट 35 इतना होता है। तो लाइटेस्ट मेरा 35 है और डार्केस्ट मेरा 40 है। जब टैनिंग वगैरह हो जाती है तो उस समय मेरा NC40 रहता है और मेरी अंडरटोन है वार्म, ठीक है। और इनका जो ये शेड है जो मैंने लिया है वो है हनी, और ये इनका डार्केस्ट शेड है। तो मतलब क्या बोलूं मैं, तो डार्केस्ट शेड ये है इनका। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है ये, और मुझे ये चीज बिल्कुल भी ब्रांड्स की पसंद नहीं आती जब वो शेड रेंज जो है इंक्लूसिव नहीं रखते। क्योंकि आप को ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि मान लीजिए मेरे को मेरा शेड मिल गया इसमें, लेकिन अगर किसी डीप या फेयर स्किन टोन को, फेयर स्किन टोन के लिए भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है इसमें, तो फेयर स्किन टोन या डीप स्किन टोन को अगर शेड नहीं मिलता और मुझे मेरा शेड मिल गया मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंक्लूसिव है। अगर आपको अपना शेड मिल गया इट्स गुड, लेकिन एज अ ब्लॉगर और एज अ यूट्यूबर मुझे इस बात को एड्रेस करना चाहिए कि इसकी शेड रेंज उतनी इंक्लूसिव नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पॉन्ड्स या गार्नियर की बीबी क्रीम के शेड रेंज से, डेफिनेटली इसमें 3 शेड्स हैं। गार्नियर में 1 ही शेड आता है, पॉन्ड्स ने रिसेंटली 1 शेड और डाला है अपनी बीबी क्रीम में, तो उसके मुकाबले अगर देखें तो इसकी शेड रेंज 1 लेवल अप है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब भी मैं कोई रिव्यू करती हूँ तो मैं हमेशा प्रोडक्ट के बारे में जाकर ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ, ताकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस तरीके की रखनी है प्रोडक्ट से वो मेरे समझ में आ जाए। आप भी जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो पहले जाकर वेबसाइट पे उसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रोडक्ट से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कुछ और ही क्लेम करता हो। तो कंपनी क्या कहती है वो पढ़ लेते हैं। कंपनी ये कह रही है कि एक लाइट वेट फॉर्मूला है और इसको 5-in-1 बीबी क्रीम बता रही है, यानी कि ये 5 काम करेगा एक ही प्रोडक्ट, जो कि क्या करेगा, तुरंत ब्राइटन करेगा आपकी स्किन को, ग्लो लाएगा, एक बिल्डेबल मैटिफाइंग कवरेज देगा जिससे आपको एक फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसमें 3 शेड्स हैं जो कि इस तरह से बनाए गए हैं जिसमें वाइड रेंज ऑफ स्किन टोन को कवर कर पाएगा वो। हालांकि मैं इस पॉइंट से अग्री नहीं करती। इसका टेक्सचर है क्रीमी जो कि बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है और पोर्स जो होते हैं आपके रोम छिद्र उनको छोटा दिखाता है, स्किन के इम्परफेक्शंस को जो है प्राइम कर देता है और एक अच्छा कैनवस क्रिएट करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है सॉफ्ट फील करेगा, उसमें एक वेलवेटी फील आएगा, नॉन ऑयली फिनिश होगी।
इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, व्हाइट कलर की ट्यूब है, बहुत लाइट वेट है, ट्रैवल करने के लिए बहुत इजी है। चलिए अब इसको लगा कर देखते हैं। मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बीबी क्रीम की ऑलरेडी कवरेज इतनी कम होती है कि ब्यूटी ब्लेंडर नॉर्मली सोखता ही है प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट के साथ इनजस्टिस होगा। इसलिए मैं इसे एक साइड ब्रश से लगाऊंगी और एक साइड मैं अपनी फिंगर टिप्स को यूज करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले मैं हाथ धो के आती हूं। तो आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, क्या आप बीबी क्रीम के नीचे प्राइमर लगाते हैं? अगर ज्यादा लोग कहेंगे कि हाँ हम प्राइमर लगाते हैं, तो मैं आने वाले रिव्यू वीडियोस में प्राइमर लगा के ही बीबी क्रीम लगाऊंगी। आमतौर पर मैं प्राइमर नहीं लगाती बीबी क्रीम के साथ। तो राइट हैंड साइड में मैं अपनी फिंगर टिप्स को यूज करूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी भी है और क्रीमी भी है, मिक्स है दोनों का। आप देख रहे हैं हल्की सी रनी है, बहुत ज्यादा नहीं। तो चलिए अपनी फिंगर टिप्स की मदद से लगाते हैं। ये शेड है हनी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी नहीं है, अपीलिंग टाइप की नहीं है। बहुत लाइट वेट फिनिश है इसकी, अफकोर्स ये लाइट वेट है और इसमें बिल्डेबल कवरेज तो नहीं है बिल्कुल भी, या बिल्कुल आपकी स्किन में समा जाएगा लेकिन बिल्डेबल कवरेज नहीं है। फिनिश नेचुरल है, मैट तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी मैट कवरेज नहीं कह सकते इसको। हो सकता है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को काफी अच्छी लगे क्योंकि बहुत कंफर्टेबल टाइप का फॉर्मूला है, मैट तो नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए अब इस साइड पर जो है मैं ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ अपने हाथ के पीछे और अब जो है मैं मेबलिन का अपना ब्रश यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा ब्रश है, मेरा फेवरेट ब्रश है ये, करंट फेवरेट है। तो इसको थोड़ा सा लिया, ब्लेंड तो बहुत आराम से हो रहा है ये, नो डाउट ब्लेंड बहुत आराम से हो रहा है, लेकिन कवरेज ज्यादा नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स बीबी क्रीम्स में इतनी कवरेज नहीं होती कि आप उसको फाउंडेशन की तरह लगाएंगे, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इसको, किसके साथ कंपेयर करूंगी मैं, शुगर की बीबी क्रीम के साथ, या अगर मैं कंपेयर करूं एले गर्ल वाली बीबी क्रीम के साथ, या चलिए मैं इसे कंपेयर करूं और कौन सी बीबी क्रीम है जो मुझे पसंद है, वही दो बीबी क्रीम जो मुझे पसंद है, तो उन दोनों के साथ अगर कंपेयर करूं तो अच्छा ये ऑक्सीडाइज भी होता है। देखिए ये वाली साइड थोड़ी सी लाइट है और ये वाली थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो गई है, हालांकि मैं माइंड नहीं करती क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी स्किन टोन के साथ जा रहा है ये शेड। नॉर्मल टू ड्राई स्किन को ये अच्छा लग सकता है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो मुझे डाउट है कि हो सकता है ये एक दो घंटे बाद बहुत ज्यादा ग्रीसी और ऑयली लगे, तो चलिए देखेंगे वो। तो यहां तक बात रही कवरेज की, मैं ये कहूंगी इसकी शियर कवरेज है, चाहे तो थोड़ा बहुत बिल्ड कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी ब्लेमिश्ड स्किन है जैसे कि मेरी, आप देखेंगे यहाँ पे एक मार्क है, मेरे ब्लेमिशेस हैं थोड़े बहुत, तो आप उनको कवर नहीं कर सकते। अगर आपको उनको कवर करना है तो आपको फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम बीबी क्रीम्स होती हैं जो आपके ब्लेमिशेस को पूरी तरह से कवर कर दें। तो मुझे बताइएगा अगर आपके ऐसी कोई बीबी क्रीम है जो आपको बहुत पसंद है और वो ब्लेमिशेस को अच्छे से कवर करती है। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स एज वेल। फॉर्मूला जरूर लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग भी है। जहां तक रही पोर्स को छोटा करने की बात, इसने मेरे पोर्स को छोटा नहीं किया लेकिन बुरा भी नहीं दिखा रहा। कई बार होता है आप किसी बीबी क्रीम या फाउंडेशन को लगाते हैं और आपके पोर्स और बुरे लगते हैं क्योंकि उसके बीच में कलेक्ट हो जाता है फाउंडेशन या बीबी क्रीम, इस केस में वो नहीं हो रहा। तो जैसा है वैसा ही है, कम भी नहीं किया तो खराब भी नहीं किया। तो ठीक है, हमें थोड़ा बहुत पता चल गया प्रोडक्ट कैसा है। अब हम इसका करेंगे 8 घंटे का वेयर टेस्ट, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत मिनिमलिस्टिक मेकअप किया इस बीबी क्रीम के ऊपर, मैंने एक्चुअली क्रीम ब्लश लगाया जो कि ब्लेंड नहीं हुआ और पैची हो गया वो। तो क्रीम ब्लशेस आप ना लगाएं इस बीबी क्रीम के ऊपर क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा हाइड्रेटिंग टाइप का, इस वजह से भी हो सकता है वो पैची हो गया, तो क्रीम ब्लशेस बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। फिर मैंने कोशिश करी पाउडर ब्लश से उसको ठीक करने के लिए लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। और बस उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लगाया।
तो मैं कहूंगी कि इसके ऊपर आप अगर मैट प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो मे भी काम कर जाएं, लेकिन क्रीम प्रोडक्ट्स ना लगाएं बेस मेकअप के ऊपर अगर आप ये बीबी क्रीम यूज कर रहे हैं तो। और अब मैं आपको मिलूंगी 4 घंटे के बाद, फिर देखेंगे ये कैसे टिकती है। और ओके दोकी, सो आई जस्ट वॉच्ड एन इमोशनल वीडियो ऑन यूट्यूब और इमोशनल होने के बाद आई क्राइड, सो यू कैन सी द टीयर्स इज वेल। इट्स डेफिनेटली नॉट इमोशनल प्रूफ और ये वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है, बिल्कुल हट जाएगी बीबी क्रीम। सो वो टेस्ट अपने आप ही हो गया, वो डिलिब्रेटली नहीं किया मैंने। बट इस वाली लाइन को अगर छोड़ दें, जो टीयर्स हैं उसको अगर छोड़ दें, तो रेस्ट ऑफ द फेस अगर देखें, बाकी फेस पे अच्छी खासी लगी हुई बीबी क्रीम जैसी थी। थोड़ी बहुत शीयर डाउन हुई है बट ठीक है। बीबी मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए इस बीबी क्रीम को लगाए हुए, और मैंने कंसीलर के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर सिर्फ इस एरिया में लगाया था, उसके अलावा मैंने फुल फेस में कहीं भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया, जो कि मुझे लगाना चाहिए था, वरना मुझे इतना ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि सिर्फ, अभी आप देखेंगे मेरी टिप ऑफ द नोज़ जो है, यानी ये एरिया जो है, सिर्फ यहाँ पे ऑयलीनेस है, उसके अलावा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो रही है मेरी स्किन, विच इज़ गुड। और हाँ, कहीं पे भी ऑयल नहीं हो रही, लेकिन मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना चाहिए था, मैं भूल गई। लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में भी अपडेट दे दूंगी इसके बारे में। अगर कवरेज की बात करें तो डेफिनेटली ये शेयर डाउन हुआ है, जब लगाया था तो थोड़ी ज़्यादा कवरेज थी, अब कम हो गई जैसे जैसे दिन बीत रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ऑलमोस्ट चली ही गई है। लेकिन आप देखेंगे ऑयलीनेस उतनी नहीं हुई, जैसे ग्रीसी जैसे हो जाता है ना, वैसे नहीं हुआ, बस नाक थोड़ी सी हो गई है। वो आप ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर, ड्राई टिश्यू पेपर, उसको लगा कर कर सकते हो, डैब करके ठीक कर सकते हो। अब इसको आगे रिव्यू करने का कोई तुक मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये रही नहीं है स्किन पे, बहुत कम है, थोड़ा बहुत कवरेज यहाँ है इसकी, और माथे से भी काफ़ी हद तक हट गई है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये जल्दी शेयर डाउन करेगी, यानी कि जल्दी फेड होगी, धुंधली हो जाएगी। और अगर आपकी ड्राई नॉर्मल स्किन है तो इससे थोड़ा ज़्यादा रुकेगी, अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो जल्दी फेड होगी। हालांकि उतना ज़्यादा ग्रीसी फील नहीं हो रहा है, तो हाँ ज़्यादा ग्रीसी फील नहीं आएगा, लेकिन फेड जल्दी होगा। तो ये था आज का रिव्यू, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूँगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।